मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता प्रसाद। आज मैं आपको ब्रोकली फ्राई अपने तरीके से बनाना सिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या सामान लगेगा। सबसे पहले मैंने इस ब्रोकली को धुलकर अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आइए अब मसालों में देखते हैं। हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, ये फोरन के लिए मैंने जीरा और रेड चिली लिया है। ये कसूरी मेथी है, ऊपर से छिड़कने के लिए मैंने धनिया पाउडर, धनिया के पत्ते लिए हैं, और ये जिंजर गार्लिक के पेस्ट है, और सॉल्ट। और ये बनाने के लिए ऑयल। तो आइए अब हम लोग ब्रोकली फ्राई। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसे 2 से 3 चम्मच डालेंगे, ज्यादा हम लोग ऑयल नहीं डालेंगे, और इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। हमारा पैन गर्म हो चुका है, ऑयल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया। इसमें अब मिर्ची और जीरा और फोरन हम लोग डाल देंगे और अच्छे से क्रैकल को आने देंगे। क्रैकल आने के बाद ये ब्रोकली हम लोग इसमें डाल देंगे और टेम्परेचर को मीडियम पे करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। इसे मैंने बिल्कुल ढका नहीं है, ढकने से इसका हरापन चला जाएगा। और 1 से 2 मिनट और हम लोग फ्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग मसाले ऐड करेंगे। इसे फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब इसमें मसाले डालने से पहले हम लोग ब्रोकली फ्राई करते करते हम लोगों को 4 मिनट के आसपास हो चुका है। अब इसमें हम लोग सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ताकि मसाले डालने से पहले ये थोड़ा नरम भी पड़ जाए। अब 1-2 बार चलाने के बाद हम लोग मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच के आसपास, बहुत ज्यादा ना डालें। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, फिर 1-2 बार चला लें। मसाले डालते समय हमेशा ध्यान रखें, अपने टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर दें। देखिए मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, ताकि मसाले जल नहीं खाएं। मैंने बहुत कम ऑयल में बनाया है, आप चाहें तो अपने पसंद का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा तेल खाना चाहें तो ज़्यादा तेल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, फिर 1-2 बार चला लेते हैं हम लोग। इसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक के पेस्ट करीब 1/2 चम्मच है, इसे डाल देंगे। और इसे लो मीडियम टेम्परेचर पर ही इसे फ्राई होने देंगे 1-2 मिनट तक, और फ्राई होने दें। इसे फ्राई करते हुए 1.5 मिनट हो चुका है, और 1.5 मिनट और हम लोग फ्राई करेंगे। अभी इसे फ्राई करते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे और 1 मिनट तक और इसे फ्राई करेंगे, ताकि मसाले अच्छी तरीके से भून जाएं। देखिए हमारा ब्रोकली फ्राई अब रेडी हो चुका है भूनकर, कितना यम्मी दिख रहा है। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी धनिया पत्ते को स्प्रिंकल कर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना भी डाल सकते हैं। अब इसे करेंगे ऑफ, और आइए अब इसे हम लोग सर्व करने के लिए प्लेट में निकालते हैं। इसे आप पूरी, पराठा, राइस, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं।
ये ब्रोकली फ्राई आपको कैसी लगी, आप घर पे एक बार ट्राई करके देखें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा आपको ये हमारा ब्रोकली फ्राई। देखिए इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ता को और भी स्प्रिंकल करेंगे हम लोग और ऊपर से धनिया पत्ता से सजा देंगे। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से हमारा ये ब्रोकली फ्राई घर पर ही बन गया। मेरी बताई रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।